भारत के स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ देश भर में स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। आज़ादी के इस आंदोलन में मध्य प्रदेश के सीधी जिले के महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी भी शामिल हुए थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर सीधी जिले के जयराम प्रसाद शुक्ला अपनी पढ़ाई छोड़कर आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने तत्कालीन रीवा रियासत के बड़े नेता शंभूनाथ शुक्ला की अगुवाई में आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया और अंग्रेजों का जोरदार विरोध किया। जयराम प्रसाद शुक्ला ने नमक सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी की अगुवाई में अंग्रेजों के खिलाफ चले सभी आंदोलनों में न केवल उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया बल्कि अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। ऐसे महान देशभक्तों की वजह से ही आज हम एक आज़ाद और विकसित भारत के राष्ट्र के सपने को साकार कर पा रहे हैं। के दिनों में जब आदमी वहाँ पिताजी वगैरह भाग लिए तो कहानी बताया करते थे कि नमक आंदोलन में शंभूनाथ शुक्ला जी के साथ जेल गए थे और उसमें करीब 10 दिन जेल में रहे और हम लोग तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे जब वो लोग स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिए थे। आज़ादी के आंदोलन में जयप्रकाश शुक्ला जैसे ही हजारों स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को स्वतंत्र कराया है। आज उनके मूल्यों को अपनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। सीधी से स्तुति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD News, भोपाल।